हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको साड़ी से फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ साड़ी, तो साड़ी में बॉर्डर है, लेस है, तो इसको मैं निकालूंगी। ये चारों साइड में है, पूरे साइड में है, नीचे नीचे, तो इसको मैं खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं लेस को निकाल चुकी हूँ और मैं इनर के लिए भी कपड़ा ली हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा लेस को निकाली हूँ और मैं इनर में सिर्फ चोली में लगाऊंगी, तो इसीलिए मैं इसको कपड़े को मैं टू फोल्ड में कर रही हूँ। और इस तरह से मैं इस कपड़े को सही से सेट कर लूँगी और इसकी लंबाई ले रही हूँ। चोली की लंबाई मैं 15 इंच पे रख रही हूँ, शोल्डर में 6 इंच पे रख रही हूँ और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। और चेस्ट साइज में 9 इंच पे रख रही हूँ और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। वेस्ट साइज में 8 इंच पे रख रही हूँ, इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ और 1/2 इंच ऊपर के साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे और नेक लेंथ में 5 इंच पे रख रही हूँ। और इस तरह से मैं गोल शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप बहुत ही आसान तरीके से साड़ी का बना सकते हैं डिजाइनर सा फ्रॉक। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और दूसरे पार्ट की मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से इस पर रख करके सेट कर लूँगी सही से और इसी के बराबर मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और मैं आर्म होल की गहराई दूंगी। इस तरह से फ्रंट आर्म होल है और यहाँ पे मैं बैक नेक लेंथ ले रही हूँ 6 इंच पे। तो इस तरह से मैं गोलाई देकर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे इनर की कटिंग हो चुकी है और साड़ी की कटिंग करूँगी, तो इस पर रख करके मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर चुकी हूँ दोनों पार्ट की। अब यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को टू फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं फोर फोल्ड करूँगी। कपड़े को अच्छे से मैं सेट कर लूँगी और इस तरह से मैं फोर फोल्ड करूँगी और बाजू की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी और थोड़ा सा ऊपर का साइड तिरछा है तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ये फोल्ड का है। और ये लंबाई में ले रही हूँ स्लीव का 18 इंच पे और यहाँ पे स्लीव विड्थ में ले रही हूँ 5 इंच पे, 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ। ऊपर से मैं 2.5 इंच और नीचे के साइड भी 2.5 इंच रख रही हूँ और इस तरह से बाजू का शेप दे दूँगी और यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं कट लगाऊँगी, ये सेंटर का पार्ट है। तो बाजू की कटिंग हो चुकी है और मैं ये फ्रॉक कली वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को फोर फोल्ड में करी हूँ, अच्छे से कपड़े को सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं कली का लेंथ ले रही हूँ 38 इंच पे और यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर से भी मैं 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ तिरछा करके। इस तरह से मैं निशान लगा करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बहुत सारा कली इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कली को कटिंग कर चुकी हूँ और फिर दूसरे बार मैं कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी, तो इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगाऊँगी, इस तरह से रख करके सही से सेट करके। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, चारों तरफ से सिलाई लगाई हूँ। अब मैं इसमें टेकिंग लगाऊँगी, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा करके, इस पर निशान लगा करके मैं इस तरह से थपथपा करके निशान लगा दूँगी। दोनों तरफ से निशान लग जाएगा, तो इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी। दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। इसी तरह से मैं दोनों साइड में इसी तरह से निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में इसी तरह से और जो इसमें से लेस निकला था उसी को मैं इस पे लगाऊंगी। तो 1/2 इंच छोड़ करके यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं कंधे को ज्वाइंट करूँगी, तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। यहाँ पर मैं कंधे को ज्वाइंट करी हूँ, सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें स्लिप लगाऊंगी, तो इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी आगे के साइड में और इस पर मैं लेस लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं लेस लगा चुकी हूँ दोनों में। अब मैं इसमें स्टिच करूंगी, तो इस तरह से सेंटर से रख करके सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में और इसमें भी इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी।
तो यहाँ पे मैं स्लिप लगा चुकी हूँ, सिलाई लगा चुकी हूँ। आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं कली को ज्वाइंट करूँगी, तो इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगाऊँगी। इसी तरह से मैं सारे कली को इसी तरह से रख करके सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कली को ज्वाइंट कर चुकी हूँ, दोनों में इसी तरह से बराबर बराबर मैं कली को अटैच करी हूँ इसमें। अब मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह से रख करके और सिलाई लगाऊंगी, और बैक साइड भी मैं इसी तरह से रख करके इसके ऊपर से रख करके इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलने में बहुत ही आसान रहेगा, आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में जो बॉर्डर निकला था उसको मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी और मैं आगे के साइड में फोल्ड करूँगी, और ये जो साड़ी में से निकला था बॉर्डर उसी को मैं नीचे लगाऊँगी। तो इस तरह से आगे के साइड में फोल्ड करके मैं पूरे गोलाई में सिलाई लगा दूँगी, इस बॉर्डर को अटैच करूँगी। तो इसी तरह से, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, बॉर्डर नीचे लगा चुकी हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।